नमस्कार, खबर सरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे 15 सेकंड में खबर के साथ। गुजरात के तट से टकराया तूफान, तटीय इलाके से टकराया तूफान, तेज हुई हवा की रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी की तस्वीरें। रक्षा मंत्रालय ने प्रीडेटर ड्रोन सौदे को दी मंजूरी, 35 घंटे हवा में रह सकता है प्रीडेटर ड्रोन, 1900 किलोमीटर क्षेत्र की कर सकता है निगरानी। कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धारमैया कैबिनेट का फैसला, बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में किया था लागू। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में ब्रिजभूषण को बड़ी राहत, दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट रद्द करने के लिए कोर्ट में लगाई अर्जी, राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोवा विधानसभा को किया संबोधित, कहा भारत के समर्थ की ओर देख रही दुनिया, 2047 तक युवा भारत को बनाएंगे फिक्स्ड राष्ट्र। दारुल उलूम देवबंद का नया फरमान, इंग्लिश पढ़ने लिखने पर लगी रोक, दीनी तालीम के दौरान अन्य भाषा सीखने पर दखल होगा रद्द। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, रस्सी के सहारे छात्रों ने उतरकर बचाई जान, छात्रों की सुरक्षा पर उठे पड़े सवाल। एशिया कप की तारीखों का ऐलान, 21 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा एशिया कप, पाकिस्तान और श्रीलंका में होगा आयोजन। हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा एशिया कप, भारत के सभी मैच खेले जाएंगे श्रीलंका में, सुपर फोर की टॉप टू टीमें फाइनल खेलेंगी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के मुंबई के घर में हुई चोरी, गायब हुआ कीमती सामान, दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पर रही पूछताछ। मशहूर प्लेबैक सिंगर शाहदा रजन अयंगर का निधन, 86 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित। चुनावी रण से पहले एमपी कांग्रेस का टिकट फॉर्मूला तय, मौजूदा विधायकों की लिस्ट सबसे पहले होगी जारी, सज्जन सिंह वर्मा का बयान, बोले फिर दिग्विजय के दौरे वाली सीटों का आएगा नंबर। कॉमन सिविल कोड पर सियासत, विरोध में उतरे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, कहा यह बेहद अफसोसनाक, बीजेपी ने लॉ कमीशन के फैसले का किया स्वागत। भोपाल से कमलनाथ संदेश यात्रा का हुआ आगाज, पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ ने किया यात्रा का आगाज, कमलनाथ बोले कार्यकर्ता घर घर जाएं, सरकार की नाकामी का खुलासा करें। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्रा, सनातन धर्म का विरोध करना दिग्विजय की आदत, धर्म का चोला ओढ़कर आती हैं प्रियंका गांधी। एकांतवास पर गए बागेश्वर महाराज, ट्वीट करके बाबा ने दी जानकारी, 20 जून तक एकांतवास में रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। शिवरंजनी तिवारी के कलश यात्रा पर जगतगुरु शंकराचार्य पीठ ने उठाए सवाल, कहा पदयात्रा नहीं पाखंड कर रही शिवरंजनी, शंकराचार्य से नहीं उनका कोई रिश्ता। कैलाश विजयवर्गीय ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस, प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, गर्भगृह में प्रवेश और शीघ्र दर्शन टिकट से 28 करोड़ रुपए की आय। नशा मुक्ति के लिए सीएम भूपेश बघेल का संदेश, नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संस्थाओं से सहयोग लेकर कराए सेमिनार। एनएसयूआई की बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, 5 लाख नए वोटर्स को सीधे संपर्क साधने की कवायद मुश्किल। राजनांदगांव में टीएस सिंहदेव पर रमन सिंह का बयान, कहा बीजेपी में आने को तैयार थे सिंहदेव, अब कह रहे हैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मनेन्द्रगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, 110 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, पकड़े गए गांजे की कीमत 11 लाख। रायपुर में प्रोजेक्ट मैनेजर से 7.5 लाख रुपए की लूट, चाकू की नोक पर बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी गोपरा नवा पर। मनेन्द्रगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, स्कूटी सवार को बस ने रौंदा, सभी मृतक एमपी के उमरिया जिले के निवासी। अंबिकापुर में लिब्रा वाटरफॉल में एंट्री पर बैन, ग्रामीणों ने थाने में की थी शिकायत, डूबने से गई थी एक छात्रा की। दुर्ग में करोड़ों की ठगी करने वाले 3 ठग गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से किया गिरफ्तार, कंपनी में फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर की थी 1 करोड़ 60 लाख रुपए की।